नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुकरा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज फिर एक बार आपसे बात करेंगे और लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि जेजेपी की भूमिका इस चुनाव में किस तरह की रहेगी। हालांकि मोटे तौर पर हम आपको बता चुके हैं कि जेजेपी बीजेपी चुनाव मिलकर लड़ेगी और ये भी तय है कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा, लेकिन आज का जो विषय है वो इससे अलग है। विषय ये है कि जेजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जेजेपी के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी चुनाव में जीते या ना जीते, क्या उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी चुनाव में हारे या ना हारे, या फिर कांग्रेस इस चुनाव में जीतती है तो क्या असर पड़ता है, और इसी पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जेजेपी के लिए आज के दिन दुश्मन नंबर एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कोई और नहीं है। और जेजेपी लोग कुछ भी कह लें, लेकिन उनकी प्राथमिकता पर यह रहेगा कि बड़ौदा सीट पर, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी हारे, और इसके लिए जेजेपी बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाएगी। उसकी वजह है, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले जेजेपी ने दिग्विजय सिंह को उतारा था। उस दौरान भी जेजेपी की मंशा दिग्विजय को जिताने की नहीं थी, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने की थी। और कहानी जो राजनीति के जानकार हैं वो साफ तौर पर समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं उनको मैं बता देता हूँ, किस्सा सिर्फ और सिर्फ जाट नेता बनने का है। जाट नेता कौन बने इस बात को लेकर लड़ाई है, उस वक्त भी वो लड़ाई थी और अब बड़ौदा उपचुनाव में भी इस बात को लेकर जेजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कम से कम इस बात की लड़ाई रहेगी कि जाटों का नेता कौन। ये और बात है कि सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरह से गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ कभी कभी टूट जाया करते हैं, किले ढह जाया करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ौदा उपचुनाव में ये किला भी ढह जाए। और अगर कांग्रेस यहाँ से हारती है तो इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये किला ढह सकता है। और इस चुनाव में जेजेपी सिर्फ इस बात के लिए पूरा जोर लगाएगी, वो इस बात के लिए बीजेपी को नहीं जिताएगी या बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेगी कि गठबंधन उनके साथ में है, सरकार में हिस्सेदारी है, जबकि जेजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उम्मीदवार या कांग्रेस का उम्मीदवार इस सीट से किसी भी हाल में जीत कर ना निकले। और अगर बड़ौदा सीट से कांग्रेस हारती है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा सेटबैक होगा, और जेजेपी के नेता भी, दुष्यंत चौटाला खासतौर पर, ये चाहेंगे कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से हारे। लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे, काफ़ी वीडियो जो हमने डाले हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेके, उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि जेजेपी अंदर खाते बीजेपी कैंडिडेट को हरवा सकती है, उसकी सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि आने वाला चुनाव बीजेपी के खिलाफ जेजेपी लड़ सकती है। लेकिन किस्सा यहाँ पर अलग है, मैं आपको साफ कर देता हूँ कि किस्सा बिल्कुल अलग है। और किस्सा ये है कि जेजेपी के लिए दुश्मन नंबर वन कौन है, निसंदेह राजनीतिक तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दुष्यंत चौटाला के लिए पहले नंबर पर आते हैं टारगेट पे, और वो ये चाहेंगे कि सोनीपत से कांग्रेस का कैंडिडेट अगर हारता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलों पर ही आज थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के लिए भी मुश्किलें यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन खट्टर की मुश्किलें क्या हैं ये मैं आपको दो दिन बाद अगले एपिसोड में बताऊंगा, और तमाम तरह की चर्चाएं उस बात को लेकर करेंगे। लेकिन आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें किस किस तरह से इस चुनाव में बढ़ेंगी। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि जेजेपी खुलकर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी की जी जान से सपोर्ट करेगी, आप ये मान के चल लीजिए, और ये बड़ा फैक्टर है। अगर पिछले चुनाव के नतीजों पर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जेजेपी के कैंडिडेट ने अच्छे खासे वोट यहाँ से हासिल किए थे, यानी कि सोनीपत क्षेत्र में। और बड़ौदा सीट की हम बात करें तो जेजेपी का वर्चस्व ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बना दिया है। इसके पीछे भी मंशा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से बड़ौदा बाई इलेक्शन को जीता जाए या जीतने की स्थिति में बीजेपी आए, क्योंकि आज तक, आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जीत की स्थिति से कोसों दूर है, लेकिन चुनाव आते आते ये दूरी कम हो सकती है, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें बीजेपी के फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली तो यही कि ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बना दिया गया, जाट वोट में सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी, ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि देखिए हमने अगर सुभाष बराला को हटाया है तो उसकी जगह जाट बिरादरी से ही अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी जाटों को साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन नाराज़गी
जाटों में आज भी बीजेपी को लेकर बरकरार है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें यहाँ कम नहीं हो रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी ही पार्टी से मिलेगी, यानी कि कांग्रेस में जो दिग्गज नेता हैं और जो मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे हैं या आगे भी सोचते हैं कि वो रहेंगे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काटने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। उसमें चाहे रणदीप सुरजेवाला का नाम है या फिर किरण चौधरी का नाम है या फिर कुलदीप बिश्नोई के अलावा और भी कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और वो अपने मंसूबों में कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये वाकई मुश्किल का दौर रहेगा। आपने देखा होगा जींद उपचुनाव में भी कांग्रेस की भीतरघात के कारण रणदीप सुरजेवाला बुरी तरह से वहाँ से हार गए थे, और ये एक मौका रहेगा फिर से। अब जो है किरदार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो और नेता हैं जो अपने आप को दौड़ में समझते हैं, चौधराहट की कतार में जो अपने को आगे बैठाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मौका रहेगा और वो यहाँ पर खेल खेल सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि नॉन जाट वोट जो है वो किधर डाइवर्ट होगा, क्या कांग्रेस की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव में जो डिसाइडिंग वोट्स रहेंगे वो अदर देन जाट वोट रहेंगे, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और ये समझा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जाट कैंडिडेट आ सकता है। अभी तक समझा जा रहा है, कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चुनाव अभी आने में वक्त है, 2 महीने का करीब करीब वक्त है, और बीजेपी भी शायद जाट उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि बीजेपी के पैनल पर 4 से 5 नाम जाट कैंडिडेट्स के लिए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मंथन उस पर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि 2 जाट कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में आपको खड़े नजर आएं। तो ऐसे में एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा गैर जाट वोटों का, वो वोट किधर मूव करता है। बीजेपी ने पिछले दिनों एक तुरक का पत्ता भी चला था, अभय सिंह चौटाला को मजबूत किया गया था अंदर खाते। मंशा सिर्फ और सिर्फ यही थी कि बड़ौदा उपचुनाव सीट में इनेलो भी एक वोट बैंक हासिल करे, 5-10 हज़ार वोट अगर इनका कैंडिडेट ले लेता है तो सीधा नुकसान उसका कांग्रेस को होता है। बीजेपी भी चाहती है कि अभय सिंह चौटाला यानी कि इनेलो का कैंडिडेट यहाँ से 5-10 हज़ार के बीच में वोट ले जाए, ताकि उनकी मुश्किलें जो हैं, उनके रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे, मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनाव चुनौती साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और चुनौतियों को पार करने में हुड्डा क्या कामयाब हो पाएंगे, इस पर चर्चाएँ हमारी आगे जारी रहेंगी, और अगले एपिसोड में इस बात पर हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे कि मनोहरलाल खट्टर की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनौती उनके लिए भी है। 2 चेहरे इस चुनाव में आपको आमने सामने नजर आएंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 2 चेहरे आमने सामने नजर आएंगे। और तीसरी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक ये भी है कि इस चुनाव में जो उनके सिपे सलार हैं उन्होंने दीपेंद्र का नाम भी उछाल दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से कमान देने की बात की जा रही है, लीड में लाने की बात की जा रही है, यानी कि आगे लाने की बात की जा रही है, और ये बात जो कांग्रेस के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं उनको किसी भी हाल में किसी भी सूरत में हजम नहीं हो सकती है। और उनको लगता है कि कांग्रेस अगर यहाँ से जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोबी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लोबी है वो उनको प्रोजेक्ट करेगी, और ख़ास तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस चुनाव में सेहरा बांधकर प्रोजेक्ट किया जाएगा, और ये जताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कमाल कर दिखाया, और इस कमाल को बाकी जो कांग्रेसी हैं वो कितना हजम कर पाएंगे, कितना पचा पाएंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे, ये मुझे कम लगता है। तो ये भी एक चुनौती रहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यानी कि मोटे तौर पर 2 तरह की चुनौतियां हैं, एक भीतरघात की चुनौती है ज़बरदस्त तरीके से, और दूसरी दुष्यंत चौटाला का जो एटीट्यूड है वो ये रहेगा जो मुझे लगता है कि उनके लिए दुश्मन नंबर 1 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बीजेपी नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार इस सीट से जीतता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जाट लोबी, जाट बिरादरी या जाट समाज एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता ठोस तरीके से मान सकता है। ये लड़ाई रहेगी कि जाटों का नेता कौन, और इस जाटों का नेता कौन यानी कि चौधराहट की लड़ाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ सकती हैं और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चर्चाएँ हमारी आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें, ताकि हर खबर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।